अभी दो तीन गलियां क्रॉस करनी है फिर आएगा स्कूल। और खदीजा के काम चेक करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेर खुशियाँ दे। तो प्लीज़ सब के लिए दुआ किया कर रहे हैं और मेरे लिए तो स्पेशली। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, तो अभी मैं अपनी बेटी को जा रही हूँ स्कूल दाखिल कराने, क्योंकि अभी वो 3.5 साल की होगी है और काफ़ी बड़ी होगी माशाल्लाह। तो अभी मैं उसको ना स्कूल दाखिल करवाने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पहले तो नहीं करवाया, सोचा अभी छोटी है छोटी है, लेकिन चलाक बहुत है और बहुत बातें करती है, इसलिए मैंने कहा चलो जी अभी से ना हम इसको दाखिल करवा देते हैं ताकि इसको थोड़ी अक्ल आए। अक्ल तो वाकई उसमें बहुत है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है ना, बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप तो हर काम करता है ना कि उनकी तरबियत बन जाए, उनकी बेस बन जाए, अच्छा पढ़े लिखे। और अभी तो उसको मैंने तैयार कर लिया है। खदीजा इधर आ, ये देखें ये रही मेरी बेटी खदीजा। हेलो बोलो, बोलो। हेलो। तो अभी ये तैयार हो गई है और ये देखे इसने तो भी मेहंदी भी लगवाई हुई है। किधर जा रही हो? बोलो किधर जा रही हो? ऊंचा बोलो किधर जा रही हो? स्कूल में। स्कूल में जा रही हो? अभी खदीजा जो है ना काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलो जी अभी चलते हैं। और एक बात और ज़रूर बताऊँ, हमारे घर मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम इनके यहाँ आए और ये तो अपने कामों में मसरूफ़ हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप रुजीना के पास आई हुई थी, तो आप ही ने कहा चलो हम दोनों चल के खदीजा को एडमिशन करवाते हैं। वैसे मेरा नाम भी खदीजा है और आप ही की बेटी का नाम भी खदीजा है, तो हम दोनों मिल गई हैं। मेरी दोस्त भी काफ़ी बन गई, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। खदीजा इधर आओ मेरे पास। मेहंदी किसने लगाई है बताओ? मैंने लगाई है ना। तो जब आप ही बुलाती है खदीजा इधर आओ, हम दोनों भाग के चली जाती है, हमें पता नहीं चलता किसको बुला रही है। तो मैंने आप ही से कहा कि अब मैंने आपके पास रहना 3-4 दिन, तो आप एक नाम चेंज कर ले ताकि हमें पता चल सके कि किसको बुला रही है, हमें पता ही नहीं चलता, हम दोनों ही चले जाते हैं। तो चलो जी अभी मैंने जो मेहमान आए हैं उनसे भी आपको मिला दिया है। मेहमान आई है खदीजा नज़ीर व्लॉग। तो आप सबने ना इसके चैनल पे भी ज़रूर विज़िट करना है और इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलो जी अभी हम जाने लगे स्कूल, लेकिन अभी मैंने तो अपनी हालत थोड़ी ठीक करनी है, जाहिर सी बात है स्कूल जाना है। अभी घर पे जिस तरह थी बस वैसे ही। अभी तो मेहमानों को मैंने नाश्ता बनाकर खिलाया है और उसके बाद अभी हम छत पर ही आ गए थे गाँव, क्योंकि ना अभी धूप निकली हुई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी सी धूप सेक लें और उसके बाद फिर ना जाएँगे। तो अभी हम जाने लगे हैं टंटन आ, तो चले जी चलते हैं और आप सबको दिखाएंगे कि खदीजा को किस स्कूल में एडमिशन करवाने लग गया। आप सब ने मेरी वीडियो को पूरा वाच करना और हमारे साथ जुड़े रहना है। टंटन आ, अभी देखिए खदीजा किस तरह भाग रही है, खुश हो रही है। तो अभी हम ना गली में जा रहे हैं, अभी 2-3 गलियां क्रॉस करनी है फिर आएगा स्कूल। और ये देखे दुआ भी हमारे साथ जा रही है, वो भी कह रही मुझे एडमिशन। तो फाइनली अभी हम स्कूल के पास आ गए और वो रहा स्कूल। फाइनली हम ना स्कूल से होकर आ गए और तो इतना थक गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गलियाँ जो है ना वो घूमनी पड़ी। और फर्स्ट टाइम ना मैं इधर रहकर, इतने साल हो गए इधर रहकर अपने, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी गलियाँ आज घूमी है और मेरा तो सारी चकरा गई, इतनी ज़्यादा गलियाँ आई थी। और ये ना फार्म, अभी फार्म लेकर आए हैं, अभी इसको पुल करेंगे, तस्वीर लगाएंगे और खदीजा के पापा की ना फोटो कापी शिनाख्ती कार्ड की या मेरी, तो उसके बाद फिर सुबह को जाएंगे एडमिशन फीस देंगे और फीस देंगे, उसके बाद फिर हमारी खदीजा का स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली अभी हम आ गए बाज़ार और खदीजा भी हमारे साथ आ रही है, वो देखे क्योंकि उसकी किताबें ले रही है ना, इसलिए काफ़ी एक्साइटेड है। मैं खुद पसंद करके फाइनली अभी हम बाज़ार पहुंचाए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ से क्या क्या खरीदना है। फाइनली अभी हम बाज़ार पहुँचाए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ से क्या क्या खरीदना है। और खदीजा के काम चेक करो। और अभी ये देखे फाइनली हम दुकान पर आ गए हैं और भाई जो है ना वो किताबें लेने गया है खदीजा के लिए, और खदीजा जो है ना आराम से खड़ी है। अभी भाई जो है ना वो किताबें लेने गया है, ढूंढ रहा है। तो फाइनली अभी हमने शॉपिंग कर ली है, तो अभी हम आए समोसे खाने के लिए और खदीजा को तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ से समोसे खा लेते हैं। तो अभी भाई को ऑर्डर दिया है, तो अभी भाई जो है ना वो लेने गया है। और ये देखे हमारे समोसे भी आ गए और दही भल्ले, मैंने समोसे खाने लिए, खदीजा जो है उसने समोसे खाए। फाइनली अभी हम आए हैं जूता लेने के लिए खदीजा के लिए, और ये देखिए कितने प्यारे जूते लगे हुए हैं। फिलहाल इस तरह गंदर नहीं लेना, स्कूल शूज़ लेना है ना खदीजा।
तो हमने अभी जूता ले लिया है और पैसे दिए भाई को, और भाई जो है ना वो बकाया लेने गया, इसलिए हम अभी यहाँ पर खड़े हैं। फाइनली अभी हम घर आ गए और इतनी देर हमने लगा दी ना बाजार में। आप सबको बताया कि बाजार में बंदे जाए और एक चीज भी ले और इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, एक अगर लेनी भी हो ना तो फिर दो चार का और ही साथ ले लेता। लेकिन हमने तो काफी सारी शॉपिंग करनी थी खदीजा के लिए और साथ में मैंने थोड़ी सी अपने लिए की है। और ये देखो ये खदीजा के शूज लिए हमने, खदीजा दिखाओ सीधे करके दिखाओ ना, ये देखिए खदीजा के शूज हैं, स्कूल शूज प्यारे हैं ना, खदीजा ने खुद पसंद किए हैं, अच्छे हैं वैसे। क्या बात है, खदीजा की बोतल तो बड़ी खूबसूरत है ना खदीजा, और टिफिन किधर है, और ये देखिए छोटा सा टिफिन भी लिया। स्कूल मैंने बस व्हाइट ही छुट्टी थी क्या, और ये इसलिए हमने ये व्हाइट मैंने पूरा पत्ता ही खरीद लिया। खदीजा जो गुम बहुत करती है, और क्या शॉपिंग की, ये देखिए खदीजा की बुक्स, खदीजा की बुक्स देखे, ये देखो अभी एक बुक्स नहीं मिली, उन्होंने कहा है कि वो ना परसों तक आ जाएगी। और अभी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने एक पाउच लिया है कैसा है, प्यारा है ना, खैर मुझे प्यारा लगा और मैंने ले लिया। और थोड़ी सी और भी शॉपिंग की है, अच्छा जी ये देखो खदीजा का चम्मच भी निकला है, और ये देखे मैंने सोने की बालियाँ भी ली है, देख लो इतना महंगा सोना हो गया फिर भी मैंने ले लिया है। ना भाई सोने की नहीं, मजाक कर रही हूँ, वैसे बाजार ही है, सोने की तो आर हड्डी मेरी पड़ी है, मैं वैसे पहनती नहीं हूँ। मामी ये बंद करना, तो कैसी लग रही है मुझे बालियाँ, प्यारी है ना वैसे। रीजा आप बताओ कैसी लग रही है बालियाँ, कैसी, अच्छी है या नहीं, बोलो भी, अच्छी है, थैंक यू। चलो जी अभी मैंने खदीजा को कहा है कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो और मुझे बालियां पहना दो, ये छोटी छोटी है ना तो खुद पहननी नहीं जाती। हाँ मम्मा इसके साथ दही बने खाएंगे। अच्छा ये सुराख भी बंद हो गया, काफी दिन हो गए ना आपने कुछ पहना नहीं। चलो जी अभी शाम का टाइम भी हो गया और मगरिब की अजानें भी आ गई, और अभी हमने बनाना है खाना वाना। हाँ जी आज शॉपिंग करने गया हुआ है तो टाइम का पता ही नहीं चला, अभी खाना बनाना है और फिर खाना है, फिर बर्तन समेटना है, फिर सोना है, तो काफी देर हो जाएगी हमें। तो फाइनली मैंने सब्जी वगैरह बना रही थी और मैं बना रही चावल, तो अभी आपको दिखाती हूँ ये देखें। तो आज तो वैसे मैं बाजार इतना घूमी हूँ कि मैं तो बहुत ज्यादा थकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो जी चावल बना लेती हूँ। चावल जो है ना वो आसानी से बन जाते हैं, आटा भी नहीं गूंदना पड़ता और सालन भी, एक साथ बस आराम से चावल बना और मजे से खा लो, सही है ना, जल्दी हो ना बंदे को बस चावल बनाने चाहिए ताकि आसानी से बन जाए। तो चलो जी अभी चावल पक गए और दम खोलते हैं और देखते हैं। और सब फैमिली वाले ने इंतजार कर रहे हैं चावल। क्या ले रहा है, ये लो ये तुम्हारे इसी के चावल है, चलो जी भाग जाओ। खदीजा ने तो अपने इसी के चावल ले लिए, तो अभी सब के लिए मैंने ना प्लेटें पास पहले रख ली थी और मैंने कहा इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, सब के लिए जल्दी जल्दी डाल लूँ। और साथ में मैंने रायता भी बनाया, चावल और साथ में रायता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे भी खाए ली जाते हमसे, किसी से भी लग के खा जाते, मजे लगते रहते एक साथ। और वो देखे बिल्ली भी आ गई है चावल खाने के लिए, देखो मारो मारो मारो, देखो इसको तो पता नहीं, ये हर टाइम में यही काम होता है, जब देखती है हमारे कमरे का दरवाजा खुला है भाग कर अंदर चली जाती है, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो चलो जी खदीजा भी आ गई, खदीजा की आज मैंने खूब वार्ड लगाई है, इसको शहर भी ले दी और खदीजा के स्कूल भी ले दी। तो अच्छा जी मैं YouTube फैमिली, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, हमें भी दुआ में रखिएगा, याद मिलते हैं नए के साथ, अल्लाह हाफिज़।